ब्रिज पूरा कंप्लीट हो चुका है, अभी यहाँ पे तैयारी चल रही है बियरिंग कोट करने की। तो बियरिंग कोट में दोस्तों एक 50 mm का बीसी का एक लेयर करना पड़ता है हमको। कोट करने से पहले दोस्तों ब्रिज की जो सरफेस रहती है उसको अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। दोस्तों क्लीनिंग करने के बाद फिर इसको मैनुअली किसी टाइप से जमी हुई कॉन्क्रीट रहेगी ना जो ब्रिज के ऊपर, वो सारी कॉन्क्रीट निकालने के बाद जो सीमेंट का जो पाउडर रहता है ना उसको इस टाइप से वायर वेस से रगड़ रगड़ के भाई निकालना। सरफेस पे आप इस टाइप का बियरिंग कोट कर रहे हैं ना, बिटुमिन वर्क कर रहे हैं ना, तो हमेशा भाई इस पर एक बार टेक कोट लगाने के बाद इस पर टायरिंग करिए। टायरिंग करने से क्या होता है, जो छोटा मोटा जो पाउडर टाइप का जो डस्ट रहता है ना सीमेंट का, वो सब निकल जाता है। फाइनली दोस्तों टायरिंग करने के बाद एक बार फिर से टेक कोट लगाएंगे, और टेक कोट लगाने के बाद अब चालू करेंगे अपन बीसी का लेइंग। कोट लगाने के बाद दोस्तों ये चालू किया बीसी का लेंग, यहाँ पे बीसी का लेंग हमारा कंप्लीट हो गया। बीसी कंप्लीट होने के बाद अब यहाँ पे फाइनली हम कर रहे हैं रोलिंग, और रोलिंग करते टाइम हमेशा ध्यान रखना स्ट्रक्चर के ऊपर कभी भी वाइब्रेशन नहीं दिया जाता। दोस्तों रोलिंग कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमारा लाइम पाउडर डाल दिया है, अभी यहाँ पे हमारा बियरिंग कोट का वर्क कंप्लीट हो गया है।